हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। क्या हाल है आप सभी लोगों के? आज हम जा रहे हैं एक ऐसे जायके का लुत्फ उठाने या फिर एक ऐसे कुजीन को टेस्ट करने जो आजकल काफी ज्यादा वायरल और ट्रेंडिंग हो रखा है। एंड ये कुजीन वन ऑफ माय फेवरेट कुजीन्स है, जो कि है मुगलई, और आपको साथ लेकर चलते हैं। बने रहिएगा व्लॉग के एंड तक, और शुरू होने से पहले एक बार फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दो, सो दैट आप आगे आने वाली वीडियोस मिस ना कर दो और मुझे अपना पूरा सपोर्ट दे सको। गूगल मैप से आप इजीली पहुंच सकते हैं इस शॉप तक। एंड अगर आप सरायकाले खां या नोएडा साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो गुरुद्वारे से आपने लेना है लेफ्ट, और मात्र 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे आ जाती है आपकी पूरी जाकिर नगर की खास मार्केट। रात को इस जगह की चकाचौंध ऐसी होती है जैसे कि कोई त्योहार हो। यहाँ कपड़े, परफ्यूम, जायकेदार खाने और मिठाइयों की इतनी सारी दुकानें हैं कि पूरा दिन भी यहाँ बिताने पे मानो कम लगेगा। इन पतली गलियों से अपनी स्कूटी दौड़ाते पहुंच गए हम अपनी पहली मंजिल लखनऊई गलौटी कबाब रेस्टोरेंट पे। अक्सर तो यहाँ बैठने की भी जगह नहीं होती, पर आज हमें जगह मिल ही गई। इस बड़े से परात से भाई एक के बाद एक गलौटी कबाब दूर दूर से आए ग्राहकों के लिए परोसे जा रहे थे, और इसकी खुशबू ऐसी कि दूर से ही आपको अपनी तरफ खींच ले। बिना देरी के फिर मैंने भी अपना ऑर्डर भाई को बताना शुरू किया। इतना बिजी होने के बावजूद भी भाई ने मेरे हर सवाल का बहुत ही मोहब्बत से जवाब दिया, जिससे मुझे इस जगह का माहौल और भी ज्यादा बढ़िया लगने लगा। दूसरी तरफ बन रहे थे हमारे ये उल्टे तवे के पराठे, जिनको इन गलौटी कबाब के साथ खाया जाता है। और ये देखिए खूबसूरत सा स्लो मोशन शॉट जो मैंने आप लोगों के लिए निकाला। करीब 15 मिनट के इंतजार के बाद हमारी प्लेट्स लगनी शुरू हुई, और कबाब को परोसने का अंदाज कुछ इस तरह था कि मुंह में पानी रुक ही नहीं रहा था। अब इन कबाब के साथ पेयर करने के लिए हमने फरमाइश करी एक आग वाले परांठे की। जी हाँ, इस उल्टे तवे के आग वाले परांठे को बहुत खास दूर दूर से लोग देखने और खाने आते हैं। जी हाँ, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड साइट टू द आईज। इन बड़ी बड़ी लपटों में करारा करारा परांठा बनता देख अपने आप में ही एक एक्सपीरियंस है। सबसे पहले हरी चटनी डालते हैं, शुरू करते हैं। भूल गया, पता भी नहीं लगा। बोल दिया क्या? आप कैसे बनाने जा रहे हो? हाँ, कैसा लगता है बेटे? सही। और भी मिलते नहीं हैं ना चलोटी के बाद? हाँ, कब से आ रहे हो? टाइम से अब आपके सामने इन गलौटी कबाब का रेट कार्ड। मेरे ख्याल से इन कबाब में मसाला और स्पाइसीनेस थोड़ी ज्यादा हो सकती थी, और मैं इसे देता हूँ 8/10। तो चल पड़े हम अपनी अगली मंजिल क्विक ईट पे, जहाँ के खास रोल बहुत ज्यादा आजकल वायरल हो रखे हैं। आप देख सकते हैं रेट्स, रेट कार्ड ज्यादा रीजनेबल रेट है यार इसके, तो क्या बात है। एक चिकन रोल का ऑर्डर दे चुके हैं, और भीड़ आप देख लो इतनी भयंकर है भाई साहब, जैसे फ्री में मिल रहे हो रोल। ये देखो लोग चढ़े हुए हैं लिटरली भाई के ऊपर, और भाई बड़ी मुश्किल से तो ऑर्डर सुना है इन्होंने। अब देखते हैं मिलता कब है। आई होप जितनी भीड़ है उतना ही बढ़िया हो खाना। आप देख सकते हो कैसे हाथ चल रहे हैं, एक सेकंड की फुर्सत नहीं है भाई के पास। अनस है इनका नाम, चेहरे पे स्माइल लेके बिल्कुल लगे हुए हैं अपना काम करने और दुनिया को रोल खिलाने। तो भारत का झंडा बना दिया, 1.5 घंटे बाद रोल मिल गया, और भाई साहब टेस्ट करते हैं, उनको कर लिया, आप लोगों के साथ करते हैं एक बार। Thank you.
मीठी मीठी में उन्हें चटपटे स्वाद के साथ जाएगी घर। अच्छा है, 70 रुपये का बुरा नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, पर हाँ भाई की मोहब्बत है, बहुत प्यार से खिला रहा है सबको, उस बात के लिए मैन ऑन डेक। मेन कोर्स की तलाश में पहुंच गए हम अपनी आज की आखिरी मंजिल, माफ कीजिएगा आखिरी तो नहीं पर हाँ सेकंड लास्ट मंजिल, निहारी खाने। इस नल्ली निहारी के चर्चे फैल चुके हैं पूरे दिल्ली NCR में, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी इसका जायका चखके देखें। हमारे लिए खास देसी घी की निहारी भाई ने परोसी और इसको खमीरी रोटी के साथ खाने का लुत्फ उठाते हैं और आपको भी बताते हैं कैसा लगा। चलिए इसे टेस्ट करते हैं, मटन निहारी। फूड टूर्नामेंट करेंगे पहलवान जी की खास रसमलाई से डेजर्ट में, देखते हैं कैसी है। स्वाद बहुत है, दूध में थोड़ा पानी कम होता तो और ज़्यादा मज़ा आता, पर बहुत स्वाद है। हम बनवाने जा रहे हैं सबसे खास डिश यूपी रबड़ी फलूदा, देखते हैं प्रिपरेशन और टेस्ट। भाई हमारा फलूदा बन रहा है, नहीं खाना है। अरे भैया 6 दे दो। क्या बात है, एक और चम्मच। क्या बात, हमारा नेक्स्ट डेजर्ट उल्की रबड़ी फलूदा आ चुका है, दिखने में शानदार है, टेस्ट करके देखते हैं। क्या बात है, वाह, तेज ही सब निकल रहा है मुझे, वाह बहुत दिग्गजदार, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है पर बस उतना है जितना चाहिए जुबान को, मज़ा आ गया खा के। तो जाकिर नगर के जायके का स्वाद लेकर तो मज़ा ही आ गया, और आप लोगों को भी मैं मस्ट रिकमेंड करूंगा कि एक ना एक बार तो यहाँ ज़रूर जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में बता देना कैसा लगा ये व्लॉग। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।